आपको कैसा लगा फिल्म का पहला लुक आपका? देखिए, पहला लुक मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जाहिर सी बात है। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सरस्वती पूजा भी है, बसंत पंचमी शिवरात्रि दिन है, और इस समय हम लोग नाटक किया करते थे अपने धनबाद में या बिहार में। मेरे लिए दुगनी खुशी हो गई है कि आज के दिन मेरे फिल्म का पोस्टर का फर्स्ट लुक आया है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जी स्नेहा, बताइए क्या अनुभव रहा है फिल्म के दौरान आपका? एक्चुअली इस मूवी में एक बहुत प्यारी सी लड़की दिखाई हूँ, जो मेरे बाजू में जो बैठे हैं उनकी गर्लफ्रेंड, मतलब मैं बहुत ज्यादा उनसे प्यार करती हूँ, बट ये कुछ मुझे वैल्यू ही नहीं देते स्पेशली बोला जाए तो वही सब मेरा एक कैरेक्टर है बहुत प्यारा सा। जी स्नेहा, क्या ये आपकी पहली फिल्म है या इससे पहले भी आपने कोई फिल्म की है? नहीं, मैंने पहले मराठी मूवीज की है, देहांत और सत्य विजय, और उसके अलावा जी म्यूजिक एल्बम्स की है, और बस अभी शुरुआत है हिंदी जी। मूवी बॉलीवुड की। मराठी से डायरेक्ट भोजपुरी क्यों ऐसा? एक्चुअली कंसेप्ट अच्छा लगा मूवी का इसीलिए कर लिया। जी कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे स्नेहा के बारे में? जैसे उन्होंने मराठी फिल्म की है, उनकी भाषा भी मराठी है, उसके बाद वो उन्होंने भोजपुरी फिल्म की। हाँ, एक्सपीरियंस सेट पे मजा आया, क्योंकि ये भोजपुरी बोलती थी मराठी मिला करके, और मजा आया। लड़की बहुत प्यारी सी है, चुलबुली है, और हमारे फिल्म में जो कैरेक्टर चाहिए था वो चुलबुली ही चाहिए था, और इसके स्नेहा के साथ काम करके तो खैर हमने बहुत इंजॉय किया, थोड़ा और आई होप कि ऑडियंस भी बहुत इंजॉय करेगी स्नेहा को हमारे साथ। जी सर, डायरेक्टर सर आपसे जानना चाहूंगी, फिल्म के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो सभी मीडिया भाइयों को नमस्कार, आप लोग आए आज। ये जब मुहूर्त किए थे तो उस समय भी जो पोस्टर का एक लुक था, तो आप लोगों ने जो लिखा था, मैं पढ़ा था कि अखबार में कुछ अलग है, कुछ ने सवाल भी किया कि शायद ये कुछ भोजपुरी जैसा नहीं दिख रहा है, तो मैंने बोला था उस समय कि कोई फिल्म का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, कोई भोजपुरी हिंदी से नहीं, तो बस ये पोस्टर अभी भी आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तो मूवी भी उसी स्तर की हमने बनाई है कि सिर्फ पोस्टर ही अच्छा ना लगे, आप लोगों को मूवी बहुत अच्छी लगेगी। सर, बैरी बैरी सुरतिया, ये पिक्चर एक बहुत भोजपुरी की बहुत पुरानी पिक्चर है, बैरी कंगना जी, आप क्या उस पिक्चर से उस पिक्चर से बना रहे हैं? नहीं, सिर्फ बैरी नाम कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। जो बैरी कंगना फर्स्ट पार्ट थी वो तो वाकई में बहुत एक तरह से हॉरर में एक माइलस्टोन मूवी कहेंगे भोजपुरी में, क्योंकि उस समय मैं वो मूवी मैंने देखा है, शायद 1991-92 की वो मूवी है, और टेक्निकली उस समय उतना एडवांस नहीं था, खासकर रीजनल सिनेमा भोजपुरी को, लेकिन कहानी इतनी उसकी बेहतरीन थी कि लोग, और बहुत सुपर डुपर हिट मूवी रही वो, और उसका कॉन्सेप्ट अलग था उस समय, सोशल इशू, दहेज प्रथा पे, वो बैरी कंगना जो कंगन को सब लेते थे। ये फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आज के समय का है, कि आज के समय में जो जो सोशल इशूज हैं, ये सिर्फ सुपर नेचुरल सिर्फ यूं ही नहीं कि चलो मैंने कुछ इमेजिनेशन स्टोरी बनाई और सुपर नेचुरल में, एकदम रियलिस्टिक स्टोरी है, जो अभी जो स्पेशली नॉर्थ में हमारे यूपी बिहार में जो इस तरह के इंसिडेंट बहुत होते हैं, समाज में जो अभी बदलाव हो रहा है, ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, जो एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास हो रहा है, तो वो ऐसे लड़के तो किस तरीके से वहाँ के सोशल क्राइम होते हैं, तो उसमें मैंने ये कहानी को बुना है, ताना बना इसका। और सुरतिया जो बैरी सुरतिया का, अगर मैं आपको बता दूं, दोनों वर्ड हमारे आंचलिक वर्ड है अपने इधर के, अगर इसको डिस्क्राइब कीजिएगा तो जो एक चेहरा है सूरत है वही दुश्मन हो गया है, तो टाइटल से कहानी का थीम पता चलेगा। इस फिल्म में कितने सिचुएशन सॉन्ग है और कितने आइटम सॉन्ग्स हैं? छह सॉन्ग्स हैं, सारे सिचुएशन ही बोलूंगा, आइटम मैं किसी को नहीं बोलूंगा। जो एक डिस्को सॉन्ग है वो भी हमारे सिचुएशनल ही है, स्पेशली प्लांटेड नहीं है कि वो आइटम में तब बोलता है जब कहानी से कोई मतलब नहीं रहता, वो भी एक हमारा स्टोरी का पार्ट है। और सारे सॉन्ग हर जॉनर के हैं, मेलोडी हैं, एक डिस्को सॉन्ग है, आपको इसमें सैड उस तरह की, क्योंकि कहानी का कुछ अलग, थ्रिलर मूवी है तो बहुत ज़्यादा इसमें सैड पार्ट नहीं, ऑडियंस को बहुत ही एक इंजॉय आप इस मूवी से करेंगे। थ्रिलर मूवी का अपना एक मज़ा होता है कि थ्रू आउट आप उसमें इन्वॉल्व रहते हैं,
कहीं भी आपको रोना धोना नहीं पड़ेगा। एक होता है ना सडनली आप हंस रहे हैं, सडनली आपको सैड मोमेंट आ गया, ऐसा इसमें नहीं, आपको थ्रू आउट एक रोमांच आपको उसमें बना रहेगा। और म्यूजिक दो बहुत ही गुणी म्यूजिक डायरेक्टर हैं हमारे इस फिल्म में, एक अमन श्लोक जी हैं जिन्होंने, जिनका तो नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत पुराने म्यूजिक डायरेक्टर हैं अमन श्लोक जी। और हिंदी गाने उन्होंने जो थम के भर जो जिससे काफ़ी हिट हुई और ये एवरग्रीन सॉन्ग रहेगा, और उनका नाम और आज भी सतत भोजपुरी में हिट गाने देते रहे हैं और हिंदी में भी उनके गाने आते रहते हैं। और एक हमारे बहुत ही पुराने और गुणी म्यूजिक डायरेक्टर हैं चंद्रमा चंद्राई जी जिन्होंने इसमें संगीत दिया है, तो काफ़ी गाने वो क्लासिकल पे उनका काफ़ी पकड़ है और बहुत ही एक कहेंगे कि जो भोजपुरी गाने में जो एक जो कमी होती है कि एक ही तरह से गाने में वेरिएशन नहीं रहता, तो थोड़ा सा जो संगीत है तो उसमें आपको बेसिक टच रहना चाहिए क्लासिकल का थोड़ा, आप कितना भी आप अपना जो भी एडवांस कर लो लेकिन उसको एकदम एल्बम की तरह मत बना दो फिल्म में का, तो वो चीज़ को वो बरकरार रखते हैं, तो आपको इसमें दिखेगा कि संगीत का क्वालिटी संगीत दिखेगा, एक सिनेमेटिक जो म्यूजिक इसको बोलते हैं वो आपको सुनने को मिलेगा। कब आ रही है पिक्चर साहब? ये बहुत जल्द ये रिलीज होगी ये मूवी, ये जस्ट हम लोग नेक्स्ट जो हमारा फेस्टिवल है आज तो बसंत पंचमी का त्यौहार है, मैं हमेशा अपनी मूवी को एक त्यौहार पे कुछ ना कुछ चाहे आप लोग से इंटरेक्शन करना हो तो त्यौहार पे ही बुलाता हूँ कि चलो एक अच्छा एक माहौल पॉजिटिव एक माहौल रहता है लोगों से बात करने का। मुहूर्त भी किया था तो त्यौहार पे ही था, आज भी त्यौहार है और नेक्स्ट त्यौहार होली जो है उसमें इस मूवी को रिलीज करने जा रहे हैं। आप लोगों में से किसी ने क्या कोई भूत प्रेत देखा है? आपने कहा कि हमारी कहानी जो है वो सच के बहुत करीब है, आप लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? मैंने देखा एक भूत मैंने देखा है जो मेरे बगल में बैठी हुई है। नहीं ये मैं बताऊं, ये फिल्म ना अभी हॉरर जॉनर की आई थिंक एकदम डिफरेंट होगी, ये उस तरह का आप कोई रामसे ब्रदर्स की मूवी नहीं है कि बस चेहरे को क्रिएट, इसमें कहीं भी आपको लेकिन हाँ आप एक जो भूत जिसके बारे में कॉन्सेप्ट है कि कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट है अभी भी पूरी दुनिया में इसको लेके बातें होती हैं, फिल्में बनती रहती है, और आज के दौर में हॉरर फिल्म का एक अलग ये हो गया, अभी पहले की तरह सिर्फ चेहरे को एब्स्ट्रैक्ट करके दिखाना वो नहीं चलता है, आज जो एक समाज में जो चीज़ें होती है अगर इसमें कुछ ऐसी बातें हैं ये जो पावर को लेके अलग अलग तरीके का इसमें एक रिसर्च किया जा रहा है कि नहीं ये क्या है किस तरीके से हो सकता है। आप बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्म देखेंगे जिसमें कि कहीं भी भूत नहीं दिखाएगा, इवन भूत नाम से जो फिल्म थी राम गोपाल वर्मा की उसमें भूत कहीं नहीं दिखाएगा डर को लेके, तो बहुत सारी चीजें आपको उसमें दिखेगा। बिल्कुल दिखते तो आज आजकल राम गोपाल वर्मा भी कहीं नहीं है, वो एक अलग चीज है। स्नेहा आपने भूत देखा है कभी? विश्वास करते हो भूत प्रेत होते हैं? डर लगता है बट भूत अभी तक नहीं देखा। अच्छा सर आपने देखा है भूत? कुलदीप जी विश्वास करते हैं भूत प्रेत में? भूत पे मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि जो पास्ट है वो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। देखिए जो पास्ट को ही भूत कहते हैं, जो जो भगवान पे विश्वास करते हैं भूत पे भी करते हैं, शैतान पे भी, क्योंकि दोनों ऐसी चीजें हैं कि जिनको लोगों ने देखा नहीं है और एक विश्वास की बात है, और दोनों का कहना मानने का तरीका थोड़ा सा समय के अनुसार चेंज होता है। पहले विश्वास में अंधविश्वास ज्यादा था, भगवान को मानने में बहुत ज्यादा अंधविश्वास था, तो आज भूत को भी पहले मानने में बहुत ज्यादा था कि चलो ये वृक्ष है तो इसके नीचे भूत होगा, आज वो ऐसी आज है उसका स्वरूप बदल गया है, आज मेट्रो में हम रह के डर रहे हैं, चारों तरफ लाइट है सब कुछ है फिर भी हमें डर है, तो उसका तरीका बदल गया है। थैंक यू सर। आपकी फिल्म जो है किस वर्ग को ज्यादा आकर्षित करेगी? ये हर वर्ग को आकर्षित करेगी, ये जो जॉनर है मैं आपको बताऊं हॉरर जॉनर जो होती है चाहे हमारा एक मासेज, स्पेशली हम लोग भोजपुरी फिल्म बोलते हैं कि मासेज, तो मासेज को लेके यहाँ पे बातें होती है, मासेज तो सबसे ज्यादा मूवी देखता है और वही एक थोड़ा सा मिसिंग है भोजपुरी में कि उन लोगों को वैरायटी ऑफ सिनेमा नहीं मिल रहा है, तो मासेज को तो पसंद आएगी, क्लासेज को ही पसंद आएगी।